फिजिबल सेट वहाँ एक वाजिया फ़र्क है जो मैं आपसे कहूँ बजट कॉन्स्टेंट इज़ ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू बजट लेकिन जब हम फिज़िबल सेट की बात करते हैं तो फिजिबल सेट हमारे पास बजट भी हो सकता था और फिज़िबल सेट रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज़ होता है तो अगर हम ये तय करें कि गिवन बजट के अंदर हमने अपने परचेजेस को किस तरीके से लिमिट करना है तो उस वक़्त हमारा फिजिबल सेट बजट के बजाय वो हमारी तरजीह जो है वो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स पे चली जानी थी तो फिज़िबल सेट का जो एक पोर्शन है दैट इज़ बजट कॉन्सट्रेंट तो द बजट कॉन्सट्रेंट इज़ बेसिकली सम सेट ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज जिनको हम परचेज करना चाह रहे हैं दीज आर आवर मल्टीपल एंडस एंड फॉर दैट Multiple ends can be purchased only with our limited budget or the limited resources. So, in real life, there can be various resources to a person, but if we say that these resources they can be limited or they can be affluent, they can be unlimited, but these unlimited they also have certain limit. So, any person who is having a very vast level or the very लेवल ऑफ़ द बजट और द रिसोर्सिस उसकी भी कहीं ना कहीं हद होगी कि वो चीज़ ख़त्म हो सकती है सो अप टू मार्क दैट इज आल्सो अ बजट कॉन्सट्रेंट अब बजट कॉन्स्ट्रेंट को अगर हम हिसाब लगाना चाहें तो क्या होगा तो हम देखेंगे कि कंज़म्पशन क्या है तो कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी बंडल अगेन एक्स वन एक्स टू है और उस एक्स वन एक्स टू को अगर हमने खरीदना है तो कोई भी कमोडिटी जो मार्केट में अवेलेबल है उसके साथ एक प्राइस टैग लाजमी होगा कि वो किस कीमत पर मिल रही है सो एवरी कमोडिटी विल हैव अ प्राइस तो दोनों कमोडिटीज एक्स वन एक्स टू के साथ जो अटैच प्राइस है वो उनकी रेलिवेंट प्राइस हो गई और अखराजा एक कमोडिटी को ख़रीद करने के कितने हैं अखराज दूसरी कमोडिटी को खरीद करने के कितने हैं है? जब हम इन दोनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास जो टोटल बनेगा वो बनेगा एक्सपेंडिचर ऑन द बोथ गुड्स सो दैट कैन बी ऑन वन एंड द टू अब इन दोनों को जो हमने अटैच दो सिंबल से किया और इनके साथ अगर हम किसी और बुक में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ एक्स वन एक्स टू ना हो कहीं वाई वन वाई टू हो कहीं एक्स और वाई हो सो आपने इस नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना दीज आर जस्ट टू गिवन सर्टन बंडल्स उनकी आइडेंटिफाई करने के लिए हम देते हैं तो एक बंडल एक्स वन एक्स टू भी हो सकता है और एक बंडल कोई एक्स और वाई की कमोडिटीज भी हो सकती हैं अब अगर हम कंज्यूमर एक बंडल परचेज कर रहा है जो एक्स वन एक्स टू है उनके रेलिवेंट प्राइसेस के तहत तो अब ये जो हमारे पास सेटअप आ रहा है वो तमाम अगर देखें तो इस साइड पर हम देखें तो इट इज़ एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ पे जो एम है ये है उसकी इनकम या उसके रिसोर्स या उसका बजट अब इनके दोनों के दरमियान में या आइडेंटिटी की फॉर्म में हमारे पास इक्वलिटी हो सकती है क्योंकि जितने एक्सपेंडिचर्स हैं वो इनकम के इक्वल हो सकते हैं या उससे लेस देन हो सकते हैं उससे एक्सीड सिर्फ इस फॉर्म में हो सकते हैं अगर कंज्यूमर कहीं से अपने कुछ रिसोर्स बारो कर रहा हो या उसको कहीं पे कुछ उम्मीद हो और उसकी बेस पे वो उसको यूटिलाइज कर रहा हो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी जो कि स्पेंड हो रही है कमोडिटी एक्स की परचेज पे और दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी जो कि स्पेंड हो रही है कमोडिटी एक्स टू की परचेज के ऊपर बजट कॉन्सटेंट हमारे पास एक टोटल बाउंड्री या लिमिट बनी कि इसके बियॉन्ड कंज्यूमर नहीं जा सकता और इसीलिए अगर हम इसको देखें तो जो अमाउंट ऑफ द मनी स्पेंड ऑन द टू गुड्स इट कैन नॉट बी मोर देन द टोटल बजट प्रोवाइडेड तो बिकॉज कंज्यूमर अपने उस गिवन बजट के बियॉन्ड नहीं जा सकता वहीं से हम इसकी डेफिनेशन को अखज़ करते हैं मेन दैट इज द बजट कॉन्स्ट्रेंट और कंज़्यूमर का जो अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल वो हमेशा वो होंगे जिसको हम कहें जो उसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बजट के अंदर अंदर वो ख़रीद कर रहा हो कोई भी ऐसा बजट जिसका अगर हम कम्बिनेशन में हिसाब लगा रहे हों कि उसकी प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी जो वो विश कर रहा हो परचेज करने की अगर वो उसकी बजट से ज़्यादा शो हो रही है तो ये उसकी विश लिस्ट हो सकती है कि उसकी अफोर्डेबल नहीं हो सकती तो अगर हम कहें तो बजट कॉन्स्ट्रेंट इज़ एक्चुअली द अदर नेम ऑफ द टोटल अफोर्डेबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर थैंक